Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बात शुरू की जाए जनाब, आपका नाम क्या है? सरफराज नाम है आपका? जी जनाब, मेरा जी नाम सरफराज है। मौलवी साहब आप कहाँ के हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुबशर शाह है और मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। कौन सी जगह जनाब? गुजरांवाला से। और आप कहाँ से हैं? वाह, मैं भी आपका गवांडी हूँ, वहाँ से सियालकोट। अभी आप सियालकोट में हैं? नहीं नहीं, अभी सियालकोट में नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं वहां से हूँ। अभी कहाँ से हैं? अभी कहाँ पे हैं? मैं अभी जर्मनी में रहता हूँ जनाब। जी आप अहमदी हैं? जी मैं अहमदी। अहमदी हैं आप जो है, क्या इसका नाम है, पैदाइशी अहमदी हैं? जी जी, मेरे जो नानके हैं वो सारे गैर अहमदी हैं, यानी के सुन्नी है कुछ, नानके कुछ, देवबंदी है, लेकिन हमारे दाद के शुरू से हम मैं। अच्छा, आज हमारी डिबेट होनी है और आप के वो कुछ लगते हैं रिश्ते में शायद, सरफराज, वो सॉरी लुकमान नाम है गालबन। जी जी मेरी, जी लुकमान साहब मेरी खाला के बेटे, लुकमान साहब हाफिज हैं वो गालबन। जी हाफिज हैं वो, हाफिज लुकमान है। जी। अच्छा, तो उन्होंने आपसे कहा था कि बात करनी है, डिबेट करनी है और हयात ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। जी सर, आप क्या रेडी हैं, एग्री हैं हयात वफात मसीह के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए? सर मैं सबसे पहले तो यानी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप मुझे प्लीज कुरान शरीफ से दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है कुरान शरीफ में कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत नहीं हुए, आसमान पे चले गए, बस या हदीस से दिखा दें, जैसे भी मसलन जो दलीलें हैं उसकी। जी वो तो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं जब थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ जाए, ठीक है जनाब? जी कोई मसला नहीं सरफराज साहब, थोड़ी सी गुफ्तगू आगे बढ़ाएं तो फिर आपको समझाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? आपका अकीदा क्या है ईसा अलैहिस्सलाम के हयात या वफात के बारे में? मौलवी साहब ये अकीदा तो बच्चों को भी पता है हमारा कि हम हजरत ईसा को फौतशुदा मानते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को फौतशुदा मानते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जो अकीदा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा माने, उसको आप क्या समझते हैं आप लोग? नहीं नहीं, उसमें कमी नहीं है, उसमें सिर्फ यही है कि कुरान शरीफ में ये कीदा लिखा नहीं हुआ, ये तौरात में और इंजील में पीछे कीदा लिखा हुआ है, यानी कि ईसा आसमान पे जाने वाला, कुरान में कहीं नहीं आया। यहां भी लिखा हो ना लिखा हो, मैंने सिर्फ एक सिंपल सवाल किया आपसे कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानता हो आप उसको क्या समझते हैं? समझते सर जी, मसलन जरूरी तो नहीं कि कुरान शरीफ की हर चीज को हर कोई समझे। मतलब ये कि वो मुसलमान है वो बंदा? जी जी मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानता है वो मुसलमान है। देखिए ये तो इतना मेरे ख्याल में ऐसे फतवे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मौजूद मेरे मोहतरम, मैं आपसे सिंपल एक बात पूछ रहा हूं कि आपने चूंकि अभी फरमाया कि मैं अहमदी हूं और पैदाइशी अहमदी हूं और आपका खानदान अहमदी है, आपने अहमदियत में एक जन्म लिया, आप उनकी तालीमात से वाकिफ हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने सिर्फ एक चंद बातें, चंद सवालात आपसे करने हैं, उसके बाद मैं आपको फिर एक चीज समझाता हूं। अब मुझे सिर्फ मेरे चंद सवालों के जवाब दे दें, अगर आपको पता है, नहीं पता तो आप इनकार कर दें, बात खत्म हो जाती। मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानता है कोई मुसलमान, तो आया वो बंदा उसको आप क्या समझते हैं, काफिर समझते हैं, मुशरक समझते हैं या मतलब मुसलमान समझते हैं? जो हमने जिनको हमने मोहम्मद ही माना है, हम
ने जो उनकी किताबों में से पढ़ के अखज किया सारा कुछ, वो यही है कि हर जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान है। और यही हमें कुरान शरीफ से भी पता चलता है और यही हदीसों से भी पता चलता है। इसलिए हमारा अकीदा ये है कि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है उसको इस्लाम के अंदर है, वो मुसलमान। ये आपने मिर्जा साहब की किताबों से अखज किया है, किताबें पढ़ के आपको पता चला है? जी जी, मैंने मैंने सारा कुछ पढ़ा है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ भी पढ़ा है, मैंने हदीसें सहीसिता की भी पढ़ी है, मैंने मसीह मौत जिनको हम मानते थे मिर्जा साहब उनकी किताबों में से भी पढ़ा। उनकी किताबें पढ़ी हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि उनकी किताबें पढ़ी हैं, उससे यही पता चला है कि जो भी कलमा पढ़े वो मुसलमान है, और चाहे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानता हो। हाँ जी, हाँ जी, मेरे ख्याल में तो यही लिख रहा हूँ। ख्याल में है कि कन्फर्म है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जितना मैंने पढ़ा मेरे हिसाब से कुरान शरीफ की भी यही तलीम है, हदीसों की भी यही तलीम है, और मिर्जा साहब की भी यही तलीम है। नहीं, ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, आप हर हफ्ते अपने खलीफा मसरूर साहब का भी खिताब सुनते हैं, ठीक है, फिर मिर्ज़ा साहब की किताबें आपके बकौल आपने पढ़ी हैं, फिर ये सारी क्यों, चूँकि आपने उस माहौल में आंख खोली, तो आप कोई एक कन्फर्म बात करें जो भी करनी है मेरे ख्याल में, या हो सकता है ऐसे ऐसे नहीं, कन्फर्म करनी है बात आपने, ठीक है जी सरफराज साहब, ठीक है ना जी। तो ये छोटे से सवाल मैं करूंगा, मैं इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाब दूंगा। सिर्फ देखिए, ये चंद चीज़ें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात के मुतल्लिक हैं, उनको पहले डिस्कशन कर लें, तो आपके इसके अलावा जो सवाल होंगे उनकी तरफ भी हम आएंगे, क्योंकि आज एक मौजू हम लेके बैठे हैं, उस चीज़ को हमने समझना है। बात समझ रहे हैं आप? जी ठीक हो गया ना। तो देखें, ये जब ये वो चीज़ें हैं कि जो अगले बंदे को समझाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो एक मुसलमान होगा उसको समझाने का कोई एक अलग तरीका है, आप चूंकि अहमदी हैं आपको समझाने का एक अलग तरीका है, और दूसरी बात यह है कि आप हजरात को अगर मैं ये भी बता दूं कि हमारी मैं एक ये बात बता दूं कि मेरी गुफ्तगू में अगर कोई सख्त चीज़ आ जाए, सख्त लफ्ज आ जाए जो आपकी तबीयत के खिलाफ हो या आपके मिजाज के खिलाफ हो, तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ, और जो मैं बात कहूँगा तो वो मैं कसदन नहीं, वो होता है ना कि एक बंदा होटिंग करने के लिए या इस तरीके से, नहीं कोई ऐसा मसला ही नहीं है मौलवी साहब। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी, वो ही एक इल्मी बात हो रही है ना। अच्छा, अब यहाँ मैंने ये आपसे पूछा है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानता है वो बंदा मुसलमान है या मुशरक है? आपने कहा जी वो मुसलमान है, काफिर नहीं है, ऐसे ही है। मेरी बात ये सुने, मैं आपसे मेन मसला पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे फरवा देखें। ये एक मरकजी सवाल है, इस गुफ्तगू का मरकजी सवाल है, उसमें हाँ या ना में कुछ जवाब मुझे दें, मुझे बताएं कि वो मुसलमान है या मुशरक है, मुसलमान है या मुशरक है, कम से कम पता तो चले हमें कि हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसको उसके फायदे क्या मुरतब होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितनी मेरी इलम है, जितना मैंने पढ़ा है समझा है कुरान शरीफ को, हदीसों को, मिर्जा साहब की किताबों को, उसमें से मुझे यही कीदा मेरे सामने, मेरा यही कीदा है कि जो बंदा कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है। मैंने कलमे की तो बात ही नहीं की, मेरी बात ही नहीं, आप बात मौजू पे नहीं आ रहे, मैं आपको मौजू पे लेके आऊंगा और मैं आपको मौजू पर ही रखूंगा, मैं यहाँ से आपको जाने नहीं दूंगा किसी और मौजू पर, ऐसे बात आगे बढ़नी ही नहीं। मैंने कलमे की तो बात ही नहीं की, मैंने जो बात की है मुझे वो उसका जवाब नहीं मिला अभी तक। मैंने कहा कि अगर कोई शख्स वफाते मसीह का अकीदा नहीं रखता, वो हयाते ईसा का कायल है, वो मुशरक है या मुसलमान है, इसका जवाब दें मुझे आप। अच्छा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि
आप सवाल ही ऐसा कर रहे हैं कि जो मेरे ख्याल में जायज ही नहीं है, यानी कि इस्लाम का, यानी इस्लाम, मुझे ये आप बताएं कि मुसलमान की तारीफ क्या है, कौन मुसलमान? अब अगर आप छोटी छोटी बातें, मैं आपसे पूछूं जो दाढ़ी रखता है या नहीं रखता वो मुसलमान है या नहीं, आप बताएं। जो फर्ज करे चार सुन्नतों की बजाय दो पढ़ता है वो मुसलमान है कि नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातों पे तो मुसलमानी का मेरे ख्याल में तो कोई फैसला नहीं होना चाहिए। इसी वजह से तो सारा इतने इख्तलाफ पड़ गए कि जिन चीजों को इस्लाम ने शामिल करना था मुसलमान की तारीफ में उनको भी किया जा रहा है जिनकी जरूरत ही नहीं करने की। इस्लाम बुनियादी तौर पर कलमा तैयबा पढ़ता है जो बंदा वो मुसलमान हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद उसे सबसे पहले जरूरी होता है अरकाने ईमान पे अमल करे, अरकाने इस्लाम पे, अरकाने ईमान पे मान ले आए और अरकाने इस्लाम पे अमल करे, ये मुसलमान है। उसके बाद आगे फरूई बहसे हैं, यानी ये होगा वो होगा, वो मुसलमान है या नहीं मुसलमान, सारे मुसलमान है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता है वो आपकी अल्लाह की वहदत का इकरार कर लेता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की नबूवत का इकरार कर लेता है, वो मुसलमान हो जाता है। हमने तो यही, मैंने तो यानी देखा है कि हजूर की जिंदगी में भी यही होता था, हदीसों में भी यही मौजूद है, सुन्नत में भी यही मौजूद है, और मिर्जा साहब भी यही कुछ मसलन कहते हैं, वो तो यही ही कहते हैं कि ग्रोहों में तकसीम मत करो इस्लाम को, इस्लाम कलमा पढ़ने का जो बंदा मुसलमान है। अब दूसरी, अगर फिर भी आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं बार बार, मुझे नहीं पता आप इसका क्यों जवाब मसलन कुछ और लेना चाह रहे हैं कि मैं उसको कैसे काफर कह दूं, मैं कह ही नहीं सकता उसको काफर। आप नहीं कह रख सकते, आप नहीं कह सकते, देख ले आपका दिल नहीं कह रहा कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा माने उसको मुशरक कहा जाए, आपका दिल नहीं मान रहा है ना जी? जी, मैं तो कभी भी उसको काफर नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। तो अगर अगर कोई शख्स उसको काफिर कहे, अगर जो आप मुशरिक वाली बात कर रहे हैं, मुशरिक और काफर में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। और हमारे बकायदा तौर पे उलमाए देवबंद की मैंने दो तीन किताबें पढ़ी हैं, उनमें उन्होंने बरेलवियों को कुरानी आयात से साबित किया कि वो मुशरिक है, शिरक करते हैं, ठीक है। इसी रंग में अगर मिर्जा साहब ने किसी किताब में लिखा होगा कि मुशरिक है तो वो उस रंग में लिखा है, और इसका ये मतलब नहीं नौजबिल्ला वो काफर हो गया जो हजरत ईसा की वफात हुई, यानी मिर्जा साहब ने लिखा है कि देवबंदी मुशरक है। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा मुशरक का लफ्ज शायद मैंने कहीं पहले भी, पता नहीं आपके वो कामरान साहब साहब ने ऐसे मुझे को बताया था, मुझे पक्का याद भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर फर्ज करें उन्होंने मुशरक का लफ्ज इस्तेमाल किया हो, मुझे इसका नहीं पता, लेकिन फिर भी मुशरक और काफर में बड़ा फर्क होता है। काफर उसको कहते हैं जो इनकार कर दे, मुशरक उसको कहते हैं जो शिरक करे, और हमारे सारे उलमा इस बात पे मुत्तफिक है कि जो लोग कब्रों पे जाते हैं वो शिरक करते हैं, जो जाके कब्रों पे सजदे करते हैं वो शिरक करते हैं, वो नहीं करते शिरक। मतलब ये कि जो ईसा अलैहि सलाम को जिंदा माने वो मुशरक है आपके नजदीक? मिर्जा साहब की किताबों को पढ़ा नहीं है सरफराज साहब, बड़ी माजरत के साथ, नाराज मत होइएगा, आपने झूठ बोला है, आपने झूठ बोला है। मैं आपको देखे यहाँ, मैं आपको एक कड़वी सी बात ये बताई है कि आपने झूठ बोला है, क्योंकि वो अभी पता चल गया है, आपने जो कहा मैंने मिर्जा साहब की किताबें पढ़ी हैं गलत, आपने मिर्जा साहब की किताबों को पढ़ा ही नहीं है जी। अच्छा मुझे ये बताएं आपने कितनी पढ़ी हुई है, आप एक दफा दीनी किताबों को साइड में रखे, आप मुझे ये बताएं आम रूटीन में आप कितना पढ़े लिखे? मैंने मिर्जा साहब की सारी किताबों को अव्वल से आखिर तक कई दफा पढ़ा है, ठीक है बिल्कुल। अभी तो मुझे अभी तो सफों के सफे मुझे जुबानी याद है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने आम तालीम कितनी हासिल की? मैं मुफ्ती हूँ, मुफ्ती हूँ मैं। हाँ वो तो आपने बड़ी अच्छी बात है, आम यानी ये जो सरकारी उलूम में आप कहाँ तक गए, 10 की हैं, 12 की हैं, 14 की हैं? मैं डबल एम ए हूँ जी, डबल एम ए हूँ मैं।
डबल एम ए। अच्छा, मेरा मकसद पूछने का आपसे सिर्फ ये फिका के, था फिका के ऊपर मैंने पीएचडी की हुई है, डॉक्टरेट की हुई है। वेरी गुड, वेरी। आपने जो भी मसलन पढ़ा है मेरा, उससे मैं आगे सवाल आपसे ये पूछने लगा हूँ कि दसवीं की रियाजी की या इंग्लिश की किताब आपने सारी पढ़ी, ठीक है, 12वीं की फर्ज करें पढ़ी है, उसमें से अगर एक बात आपको याद नहीं रहती या भूल जाती है, उसका ये मतलब नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने पढ़ी है, आप कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे। फर्ज करें अगर मुझे कोई बात भूल भी गई है, वो 85 किताबें हैं मौलवी साहब। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। देखे, मैं आपसे कोई भी बात करूंगा ना, तो आप ये ही आगे से आपका जवाब होगा कि फर्ज करें कि वो भूल गई है मुझे, जरूरी तो नहीं कि मुझे याद हो। जो भी बात की जाएगी आप यही कहेंगे, तो वो फिर बात अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मौजू आपका क्या है, वफाते मसीह को आपने साबित करने के लिए हम आए हैं ना यहाँ, और मैंने हयात ईसा को साबित करना है, आपके जिम्मे है कि आपने वफाते मसीह को साबित करना है, ठीक है। और ये एक ऐसा मरकजी मसला है कादियानियत के अंदर, जिसको आप लोग अपने आप को अहमदी कहते हैं, हम कादियानी कहते हैं, तो कादियानियों में ये एक ऐसा मरकजी मसला है कि जो बच्चे की नोके जुबान होता है, बच्चे बच्चे को पता होता है, और बकायदा तौर पे आप लोगों को इसके ऊपर बहुत ज्यादा तरबियत की जाती है। और इसके ऊपर भी आप कहें कि नहीं, वो मिर्जा साहब का तो हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा। जब मिर्जा साहब से एक चीज चली है, तो आप उनको ही कह रहे हैं कि नहीं, वो हमें नहीं पता कि मिर्जा साहब ने लिखा कि नहीं लिखा, होगा ऐसा लिखा होगा, कहा होगा, होगा होगा नहीं, एक कन्फर्म भी कोई चीज होती है कि कन्फर्म। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा परखना चाह रहा हूं, देखना चाह रहा हूं कि कम से कम आपको अपना कीदा भी पता है कि नहीं। तो जो मैं अभी समझाऊं, आपको अपना कीदा भी नहीं पता। मेरी बात सुने मौलवी साहब, मेरे किस्से को आप छोड़ दें, ठीक है, समझिए कि मैं एक आम बंदा हूं, तो मैं सिर्फ तहकीकात कर जी, मैं आपकी तहकीक, अब मैं आपकी तहकीक में थोड़ा सा इजाफा करता हूं। अब तवज्जो से सुनिए, क्योंकि अब आप तहकीक करने के लिए आए हैं ना, अब मुनाजरा नहीं, मुनाजरा और होता है, तहकीक और होती है, ठीक है। अब आप एक शिगिर्द, अब आप एक शिगिर्द की हैसियत से हैं, और मैं एक उस्ताद की हैसियत से हूं, आप एक साइल की हैसियत से हैं, मैं एक मुजीब की हैसियत से हूं। अच्छा, मेरी बात सुने जी, जो मर्जी आप समझ ले, मैं उसी से सही, लेकिन मुझे सिर्फ मेन टॉपिक पता, मैं मौलवी साहब क्या टाइम बहुत फिर जाया हो जाएगा, यहाँ बहुत काम होते हैं, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी करता हूँ अभी, सिर्फ मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ, मैं दूसरी उन बातों पे भी बाद में आ सकता हूँ, कोई मसला नहीं, अभी फिलहाल मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में आप सिर्फ ये दिखा दें कि कहीं लिखा हो, जो बात आमतौर पर आजकल के उलमा कर रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पर हैं, वो कहां लिखा हुआ है हजरत ईसा जिंदा आसमान जी, बिल्कुल मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ जी, मैं अभी दिखाता हूँ, मैं मुझे इजाजत है बोलने की जी, सर बोले जी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके मिर्जा साहब ने एक बात कही, और वो बात लिखी है जनाब यहां रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 में, सफा है 660, ठीक है, सफा 660। उसके ऊपर मिर्जा साहब लिखते हैं कि फामिन सु इल अदाबी अयुकाला इन्ना ईसा मा माता व इन हुआ इल्ला शिरकुन अजीम। ये अरबी में है, अब आपको तो अरबी आती नहीं होगी, इसका तर्जुमा भी आपको नहीं पता होगा कि ये क्या लिखा है, नहीं पता, पता मुझे समझ आ रही है आप सब इतनी नहीं, क्या क्या इसका क्या समझ आई है, आपने क्या समझे आप, अरबी भारत पढ़े ना दोबारा जी, फामिन सु इल अदाबी अयुकाला इन ईसा मा माता वा इन हुआ इल्ला शिर्कुन अजीम। जी क्या समझे आप, ये एक अजीम शिरक है, किसने कहा
ہے اس کے مجھے تھوڑی سمجھ نہیں عربی کی آئی کہ کسی نے کہا ہے کہ یہ عظیم شرک ہے، یہ میرے خیال میں ترجمہ اس کا. کسی نے کہا ہے کہ یہ شرک عظیم ہے. کیا شرک عظیم ہے، کہ عیسیٰ کو زندہ ماننا یا عیسیٰ کو مردہ ماننا؟ سر وہ تو پیچھے آپ نے بولنے نہیں نا عربی میں، میں یہ عبارت پوری سنائی ہے آپ کو. ان یقال جی کون، ان یقال لکھا ہے اس کا کیا ترجمہ، یہ تو آپ نے بتانا ہے نا. میں نے آپ سے پوچھ رہا ہوں، یا آپ کو اگر نہیں پتا چلا تو پھر میں بتاتا ہوں. آپ تو بیچ میں بول پڑے کہ نہیں مجھے پتا چل گیا. کہتا ہے آگے ان عیسیٰ ما ماتا، یقیناً عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، یہ ترجمہ ہے اس کا. فوت نہیں ہو گئی، یہ ما اب دوسرا پتہ نہیں چھوٹا آپ نے پڑھا تھا لمبے والا الف والا ما، اس کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. اچھا جی، عیسیٰ فوت نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ وَإِنْ هُوَ إِلَّا شِرْكٌ عَظِيمٌ. ٹھیک ہے، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سوئے ادب میں سے ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی انتقال نہیں ہوا، وہ زندہ ہیں، وہ یہ کہے. تو یہ جو ہے نا، یہ اور کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ یہ شرک عظیم ہے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا شرک عظیم ہے. ایک بات کلیئر ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا مرزا صاحب کے بقول شرک عظیم ہے. ٹھیک ہے جی، پتا چلا کہ جو بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ مانتا ہے وہ شرک عظیم کرتا ہے، یعنی وہ مشرک ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی بولے جی جی مولوی صاحب، میں سن رہا ہوں آپ بولے. نہیں نہیں، ہاں نہ تو کرتے رہے، ایسے تو نہیں سن تو رہی ہیں آپ. مطلب یہ کہ وہ شرک عظیم کیا اس نے، وہ مشرک ہوا، تو کم از کم جتنے بھی مسلمان ہیں وہ شرک عظیم کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے یہ؟ مرزا صاحب کی جو آپ نے بیچ میں سے ایک آیت نکالی ہے، یہ پوری کتاب ہے. میں نے مرزا صاحب کی کتاب میں ایسا، یعنی کہ ساری کتابیں پڑھنے سے اس پہ کتاب کوئی آگے یہ آواز ڈبل ہو رہی ہے. یہ غالباً ہماری گفتگو میں اور بھی کوئی شامل ہے. جی یہ حافظ صاحب آئے ہیں، تو مائک اپنا حافظ صاحب میوٹ کر لیں، آواز آ رہی ہے یہاں. ہیلو حافظ صاحب، آپ بھی موجود ہیں ہماری گفتگو میں؟ پتہ نہیں جی، یہ آپ کی جانب سے غالباً آ رہی ہے، کوئی آواز ڈبلنگ ہو رہی ہے، آواز درست نہیں آ رہی. چلے آپ بتائیں کیا بتا رہے تھے آپ. نہیں نہیں، کال دوبارہ نہیں کریں، آپ کریں بتائیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی مسلمان ہیں بقول مرزا صاحب کے، وہ تو مشرک ہو گئے. جی وہی ہم نے لانی بھی وہی ہے نا، لانی بھی تو وہی ہے، یہاں سے تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپ اصل میں بات سمجھ نہیں رہے کہ آج آپ سیدھی سی طرح مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات یہ پہلے سب سے سمجھائیں، اس مرزا صاحب کی کتابوں پہ بعد میں آئیں گے. یہ سب سے چھوٹی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کیونکہ یہ آج تک مجھے نہیں کسی نے سمجھائی، کسی بھی احمدی نے. تو چونکہ آپ تو احمدی ہیں، پیدائشی ہیں، میں تو ہوں ہی نہیں نا، تو میں تو دیکھیں احمدیت کے قریب بھی نہیں گزرا. تو مجھے یہ بات سمجھائیں کہ یہ تو آپ لوگوں نے، آپ کے مرزا صاحب نے ہمیں بنا دیا مشرک،
तो आया ये मुशरिक बनाया, और आप भी इसको तस्लीम करते हैं कि नहीं करते? खुदा के बंदे मौलवी साहब, हम नहीं सबको मुशरिक समझते, मैंने किताबें पढ़ी हैं, मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ आपसे, मुझे क्या फायदा मिलना है आपसे? जी मैं ये आपके सामने अभी स्टेटमेंट रखी है, असल किताब दिखा दूं? मेरी बात सुन ले, मैं बताता हूँ आपको, आपने जो दूसरे उलमा ने फतवे लगाए हैं दूसरे उलमा के ऊपर, वो पढ़े हुए हैं ना, उनकी तहरीरें दूसरे हुए हैं। उलमा ने कभी भी ये नहीं कहा कि जो भी ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानता है वो मुशरिक है। यार वो बात तो मौलवी साहब वही आ गई ना, बात तो चूंकि ये मिर्जा साहब ने की है ना मुशरिक वाली, दूसरे मौलवियों ने तो नहीं की। बात सुने, मैं तो कह ही नहीं रहा कि नौज़ बिल्ला मिर्जा साहब ने मौलवियों की रवश पे चले हैं। मौलवियों ने तो बहुत बड़े बड़े फतवे दिए हैं, मिर्जा साहब ने तो ऐसा फतवा दिया ही कोई नहीं है। जी ये दे दिया फतवा ना, उन्होंने कहा कि जो भी ईसा अलैहि सलाम को ये कहे कि वो अभी भी मरे नहीं है, उनका इंतकाल नहीं हुआ, तो वो शिरके अजीम करता है, वो मुशरिक है। शिरके अजीम पर हैं, शिरके अजीम, हाँ शिरके अजीम, चलो जी मुशरक नहीं, ठीक है जी, शिरके अजीम मतलब ये कि मैं शिरके अजीम करता हूं, मेरी बात करें जी। बिल्कुल ठीक है, बस यही यही पूछना था, बस बात खत्म हो गई, बस यही पूछना था, आप नाराज ना हो। मतलब मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल हूं तो मैं शिरके अजीम कर रहा हूं, यही बात है ना? यही बात है ना कि मैं शिरके अजीम कर रहा हूं, बात खत्म हो जाती है, कह दें हां या ना। कितनी देर पहले, अब 40 मिनट हो गए हैं, और जिस मौजू पे हमने बात, ये बात कंप्लीट करें, अगली बात करनी है। मैं शिरके अजीम कर रहा हूं ना कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल हूं। मैं बताता हूं आपको वो सारा, फिर मुझे टाइम दे, मैं सारा आपको बताऊं इसका मतलब। ओ यार भाई मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूं, मेरा कोई बात का जवाब तो दे दें आप। शराब पीते हैं कि छोड़ दी है, मुझे जवाब दे इसका। जी मैंने कभी पी नहीं, छोड़नी तो बाद की बात है, कभी पी नहीं मैं, देखे मसीह मऊद थोड़ी हूं। जी मैंने कह तो दिया, मैंने एक सेकंड नहीं लगाया, मैंने आपको फौरी तौर पे जवाब दे दिया, मैंने कहा मैंने कभी पी नहीं। तफसील तलब नहीं है, वो सिंपल मैं कह रहा हूं कि मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल हूं, क्या मैं शिरके अजीम कर रहा हूं कि नहीं? पहले बात आप सुनेंगे तो फिर ही आपको समझा। जी आप सुनाएं। जब ये बताएं ईसाई क्या कहते हैं कि हजरत ईसा जिंदा मानते हैं, क्या कहते हैं? सुनाते रहें सुनाते रहें सुनाते रहें, मेरी बात का जवाब आपने नहीं दिया, अब आपने कहा है कि मैं सुनाऊंगा तो सुनाते रहे फिर। मौलवी साहब मैं उसी के जवाब की तरफ आ रहा हूँ, उसी के जवाब की तरफ आ रहा हूँ, वो कहते हैं हजरत ईसा जिंदा आसमान पे, यही बात है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हजरत ईसा ने सचमुच की असली चिड़िया बनाई थी, परिंदे, आप लोग भी कहते हैं कि असली परिंदे बनाए थे, तो ये आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस यहाँ ईसाइयों की, हिंदुओं की, सिखों की बात नहीं हो रही, मुसलमानों की बात हो रही है। आया मुझे आप मुसलमान समझते हैं कि नहीं समझते? मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल हूँ, और मिर्जा साहब ने कहा कि वो शिरके अजीम है। अब कह दे तो बात खत्म हो जाती है ना कि मैं मुशरिक हूं, कह दें आप, बात खत्म हो जाती है। मेरी बात सुने, आपको मुशरिक अरबी की लफ्ज का तर्जुमा, मुझे ये बताएं एक इस्तलाही मतलब मुशरिक क्या है? ओ दुनिया का कोई सा भी तर्जुमा ले लें, यही तो होता है कि आप लफ्जी उसके 50 तर्जुमे बता देते हैं एक चीज के, मुझे जिस माने में भी लें मैं मुशरिक हूं कि नहीं। आप वही काम कर रहे हैं जो आज तक कुरान शरीफ पे कर रहे हैं, वो आप मिर्जा साहब की किताबों पे वही कर रहे हैं। मुझे पता है मैं कौन सा बच्चा हूँ, लेकिन मैं यही तो कहता हूँ कि पहले मेन मसले पे प्लीज आए, उसके बाद मैं ये भी आपको सारा कुछ समझा सकता हूँ। ये जो आप करते हैं ना कि बीच में से एक छोटी सी लाइन निकाली, आप पूरी किताब पढ़ के सुना दें मुझे, आपके पास टाइम है, चले जी? पूरी किताब, ये जिस किताब की ये इबारत है ना, पूरी किताब पढ़ के सुनाएं, चलें।
आपने पढ़ी तो है ना, आपने अभी कहा था मैंने पढ़ी हुई है किताबें। साहब मेरी बात सुने, मौलवी साहब अगर मैंने 10 साल पहले पढ़ी है तो मुझे जबानी याद है मिर्ज़ा साहब की किताब, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये कि इस इबारत का तर्जुमा आपको नहीं पता, इसके मुतल्लक आपको नहीं पता। मेरी बात सुने, कुराने शरीफ में लिखा है ला तक़रबु सलाता, इसका तर्जुमा करें। नमाज के करीब मत जाओ। अब मैं कहता हूं कि कुराने शरीफ में लिखा है नमाज के करीब मत जाए, ठीक है ये लिखा हुआ है कुराने शरीफ में, ठीक है, लिखा है ऐसे आप करते हैं मेरे भाई? कोई मेरी जी बात भाई, मान लिखा है ना कुरान पाक में नमाज के करीब मत जाओ। तो क्या हुआ, यहां से ये साबित हो गया कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए? यहां से ये साबित हो गया कि साहब, लिहाजा जनाब ये मिर्जा साहब ने जो कहा है कि जो हयाते। नहीं, यहां से यह साबित हो गया कि आप मिर्जा साहब की किताबों के साथ क्या करते हैं? मतलब यही है कि इसकी अगली इबारत पढ़वाना चाह रहे हैं, मैं अगली इबारत भी पढ़ देता हूं, पढ़ दूं? पढ़ाना नहीं चाह रहा मैं, सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं कि नहीं तो आप जो मैं, कहा आप करते देखे हैं। ला तकरबु सलात का आपने हवाला दिया ना, तो उसकी अगली आयत पढ़ेंगे तो तर्जुमा सही वाजे हो गया। ऐसे ही है ना, मैं इसकी अगली लाइन पढ़ देता वेरी हूं, गुड वेरी गुड, सब कह मैं रहे हैं इसकी कि अगली लाइन पढ़ आप, देता हूं, फिर आप खुश हैं? मैंने वो पढ़ी हुई है, तो मेरी समझा दे, जो मुझे पड़ी हुई मैंने है पढ़ी तो हुई है, समझा दे। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं, आप ऐसे मत करें जैसे मुशरकीन करते हैं, जैसे आज तक यहूदी कुरान शरीफ के साथ करते हैं, हिंदू के साथ करते हैं, वैसे ना करें आप। वैसे आज तक दुनिया के किसी यहूदी ईसाई नसरानी से मैंने ये नहीं सुना कि वो ये कहते हो कि नमाज, ये लिखा हुआ है जी कुरान पाक में नमाज के करीब मत जाओ, ये सिर्फ कहा दिया, नहीं कहते हैं। आज तक किसी ने नहीं कहा, ये मिसाल सिर्फ कादियानी नहीं देते हैं, दुनिया के किसी काफिर ने आज तक ये मिसाल नहीं दी। इसलिए कह रहा हूं कि हर बच्चे को समझ आ जाए कि आप करते ये देखिए, क्या ये है, मिसाल भी तो मैं आपने वो ही दी कि अपने घर की बनाई हुई ना। तो मैं कह रहा हूं कि इस आयत के अगली आयत पढ़ेंगे तो तर्जमा जाहिर हो जाता है। आप यही कहना चाह रहे हैं जी, ये इबारत आपने बीच में से ली है, ठीक है मान लिया। अब आपकी अगर ख्वाहिश है तो मैं एक लाइन पीछे से या एक लाइन आगे से पढ़ देता हूं, क्या आप खुश हैं? मैं नहीं सुनना चाहता, मेरी बात सुने। आप ये बताएं कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटा आपने इस सारी बहस को जाया, सिर्फ मैं इसलिए जाया मौजू पे नहीं, नहीं आना ये चाह बात रहा, अभी समझ आ जानी है आपके आपकी। पास कोई आप दलील इस मौजू की तरफ आ ही नहीं रहे, और कोई भी दुनिया का अहमदी इस मौजू की तरफ आता ही नहीं। मिर्जा साहब की जब ये इबारत सुनाई जाती है, दुनिया का कोई अहमदी मरजई, यही इबारत हमने कादियानी मरजई मिशनरी अंसर रजा के सामने भी रखी थी तो वो लाजवाब हो गए, अहमदिया रेडियो के ऊपर भी लाजवाब हो गए, ठीक है। यही इबारत हमने जनाब खलीफा मसरूर साहब के सामने रखी, वो भी लाजवाब हो गए, वो भी सामने नहीं आ रहे। तो देखिए, ये आप तो उनके रूहानी बेटे हैं ना, तो आप लोगों के पास कब जवाब होगा मेरी बात सुने आप, जी? देखें आज तक सारी जिंदगी मिर्जा साहब एक छोटे से गांव में रहते थे, सारे पूरे 22 मुल्कों के मुसलमान ममालक के उलमा ने जोर लगा लिया अपना पैरों से लेके नहीं, उनके ये घर मौजू तक, नहीं है, ये मौजू नहीं, बात उधर चली जाएगी, बात कहीं और लेके जा रहे हैं आप। नहीं, इसी पर रहें, इसी मौजू पर रहें, आप शिरके अजीम पर रहें, मुझे ये चीज समझाएं बस, मेहरबानी। सिर्फ एक बात आपके हलक में अटक गई है कि आप मुझे जाहरी तौर पे मुशरक नहीं कहना चाह रहे। मैंने सिर्फ अपने ऊपर, मैंने पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात ही नहीं की, मैंने कहा कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल हूं, आया मैं शिरके अजीम कर रहा हूं कि नहीं, इतनी बात पूछी, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, घंटा आपने गुजार दिया। ये मैं कह सकता हूं कि आप मुशरकीन के अकीदे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी मैं मुशरकीन की मुशरक नहीं मदद कर हूं, रहे हैं, मुशरकीन की मदद कर रहे हैं। मुशरक तो अगर आप शिरक कर रहे हैं बस तो है, चलो मैं हिंदुओं यहीं को पे ले मुसलमानों लें, के साथ चलो चलो हम हाथी की दुम से ही गुजारा कर लेते हैं, हाथी को छोड़ देते हैं, यानी मैं मुशरकीन के अकीदे की सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, मुशरकीन के अकीदे की सपोर्ट कर रहा हूं ना, कुछ तो बोले मौलवी साहब। आप असल मुद्दे पे क्यों नहीं ओ आते, आप भाई। असल अब मुद्दे आप पे लो क्यों ओ भाई, अब इतना तो हां ना कर दे, मैं मुशरकीन के अकीदे की सपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा ही है।
بشر صاحب باس نے میرے محترم میں کہہ رہا ہوں مجھے حقیقت سی کہ کوئی دلیل دے آپ کس طرف جا رہے ہیں. میں مشرک مشرکین کے عقیدے کی سپورٹ کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اب دیکھیں میں نے آپ کی مانی ہے, پورے ہاتھی کو چھوڑ دیا دم کو لیے. مجھے صرف اتنا بتا دیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل ہوں, میں مشرکین کے عقیدے کی سپورٹ کر رہا ہوں. آپ اس طرف جاتے کیوں ہیں؟ جس جانب سے بھی احمدی کو گھیریں گے ادھر سے دوڑ جائے گا. یہی کام ہوتا ہے یار آپ لوگوں کا, کمال کرتے ہیں. کیا کرتی ہے؟ آپ نے ابھی کہا کہ یہ مشرکین کے عقیدے کی سپورٹ ہے. میں اپنے اوپر بات کر رہا ہوں, میں مرزا صاحب کو یا کسی اور کو نہیں کہا, میں نے دنیا کے کسی اور مسلمان کو نہیں کہا. مجھے نہیں آپ کہہ رہے یار میں مشرکین کے عقیدے کی سپورٹ کر رہا ہوں کہ نہیں. 48 منٹ ہو گئے آپ کوشش کر رہے ہیں. صرف ایک بات بتا دیں کہ میں مشرکین کے عقیدے کی سپورٹ کر رہا ہوں. میں اصل بات پہ آپ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ اصل بات کون سی ہے, گل وچ کوئی ہور ہے, آپ کو پتا چل گیا ہے. جی 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 آپ کی ہنسی بتا رہی ہے کہ لگ پتے گئے ہیں آپ کو. آپ کو پتا ہے کہ یہاں گند اتنا پڑ جانا ہے, یہ اگر ہاں کر دی تو سمیٹنا مشکل ہو جانا ہے. نہیں نہیں ادھر نہ جائیں ادھر, وہ موضوع نہیں, وہ موضوع نہیں, وہ موضوع نہیں, صرف اسی پر رہے, صرف اسی پر. وہ بڑوں نے یہ کیا, تاریخ نہ مجھے سنائے, وہ چھوڑیں. ہاں ہاں نہیں نہیں یہ غلط کرتے ہیں آپ, یہ وہ پوری تاریخ وہ کیا وہ کیا, وہ زنانیوں کی طرح مینے دینے شروع کر دیتے ہیں یار, کمال کرتے. آپ چھوڑیں, میں نے نہیں کیا بھائی, میں ادھر بیٹھا ہوں, مجھ سے بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں ادھر اب میں بات اپنی کرتا ہوں, آپ نے تو نہیں کرنی, میں کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں. جی جی میں کروں. او میں نے کوئی الزام نہیں, ابھی یہ موضوع ہی نہیں, الزام بات والا موضوع ہی نہیں ہے. کیا کرتے ہیں آپ, خلتے مبحث نہ کرے, بات کو کہیں اور نہ لے کے جائیں, ایک موضوع پر رہے. یہ تو آپ کا من پسند موضوع ہے, حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ, اس پر بھی آپ گفتگو نہیں کر رہے, بات کہیں تاریخ کی ادھر 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 ادھر, یہ موضوع نہیں ہے میاں. کیا کرتے ہیں آپ, میں ابھی آپ کو سمجھانے لگا ہوں, اب مجھے موقع دیں آپ. جی میں سمجھانے لگا ہوں, مجھے اجازت ہے میں سمجھاؤں. جی اجازت ہے مجھے. جی یار یہ حافظ صاحب آپ کال سے نکل جائیں, آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے, ہم دو بندوں کو صرف گفتگو کرنے دیں. حافظ صاحب کال کاٹ دیں, بڑی مہربانی. یار آواز کٹ رہی ہے بیچ میں. چلے چلے ادھر ہی رہیں, ابھی اگر آواز کٹی تو پھر میں آپ کو کہوں گا چلے جائیے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے ایک حوالہ پیش کیا جس میں مرزا صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے یہ کہے کہ وہ زندہ ہیں تو وہ شرک عظیم کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل ہوں, کیا میں شرک عظیم کرتا ہوں کہ نہیں؟ آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کی. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آپ نے کہا نہیں آپ جناب وہ مشرکین کے اصل میں عقیدے کی سپورٹ کرتے ہیں. پھر میں نے یہ کہا کہ کیا میں مشرکین کے عقیدے کی سپورٹ کرتا ہوں کہ نہیں, آپ اس کے اوپر بھی خاموشی. ٹھیک ہے جی, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مرزا جی میں مجھے بات بھی تو اب کرنے دیں, میں اب سمجھاتا ہوں نا, سمجھا تو رہا ہوں آپ کو. کل پرسوں فلم دیکھیے, میں وہ سنا دیتا ہوں آپ کو, اگر آپ ایسے ہی ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. جی ابھی آپ نے فلم ہی تو سنائی ہے, اتنا ٹائم تو برباد کر دیا آپ نے, دو باتیں پوچھی تھی. میں ابھی سمجھا تو رہا ہوں آپ کو, میں نے سمجھا تو رہا ہوں, آپ سن تو لیں.
बिस्मिल्लाह भी नहीं आपने पढ़ी तो आपने कहा ओ मैं बता तो रहा हूँ मियाँ, आप बताने तो दें मुझे, थोड़ा सा टाइम तो दे दें आप। साहब की तरफ चले जाए। जी मैं उतर जाता हूँ, मिर्जा मैं साहब आपको से बता बराहे रहा हूँ, रास्त ऊपर जाना है ना, थोड़ा सा सुन तो लें आप। फिर जी यही तो मसला है कि मुझे समझ आ गई है कि आप लोग, मुझे तो पहले ही पता है, मैं तो हफ्त को कहता था कि इनके पास कोई दलील नहीं है, क्यों मेरा वक्त जाया ओ कर रहे हैं। भाई आप मेरी बात अब आप मतलब कि सुनेंगे, कुछ मुझे थोड़ी देर देंगे आप। उनके पास बड़े दलीलें होंगी ओ ना, अगर मुझे मैं आप आपकी सिर्फ बात सुना 3 मिनट, सकता हूँ घड़ी तो से देख के 3 मिनट दे दें बोलने के लिए, मैं जवाब देता हूं। इजाजत है? सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलिएगा नहीं, ठीक है? ओके सर, ये स्टॉप वॉच जरा लगा लूं और मैं पूरे 3 मिनट बोलूंगा, ठीक है? ये मेरा टाइम शुरू। सुने गुजारे ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी साहब, जिनको आप मसीह मऊद कहते हैं और आपके नबी और रसूल हैं, उनकी जो टोटल उम्र हुई है वो 69, 68 या 69 ईयर हुई है, ठीक है? अब उन्होंने 51 ईयर तक अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इस अकीदे के ऊपर गुजारा था कि वो यही कहते रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, जिंदा आसमान पर चले गए हैं और कुर्बे क्यामत में जिंदा नजूल फरमाएंगे, ये उनका अकीदा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानते रहे मिर्जा साहब 51 साल, पंजाबी में कहते हैं 51 साल तक, 51 साल तक मिर्जा साहब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के कायल रहे और उसी अकीदे पर थे जिस अकीदे पर पिछले 1300 साल के तमाम मुसलमान थे। अब सवाल यह है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि जो ईसा की हयात का कायल हो तो वो शिरके अजीम करता है, मतलब ये कि वो मुशरिक है। तो मिर्जा साहब तो 51 साल तक मुशरक रहे, खुद उन्होंने शिरके अजीम किया और मुशरक रहे। और यहां पे आपको ये सारी चीजें पता है, इसी वजह से तो आप इस जानब आ नहीं रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो नबी होते हैं वो शिरक नहीं किया करते, क्योंकि आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं तो नबी मुशरक नहीं हुआ करते। 51 ईयर तक मिर्जा साहब को आपने मुशरक खुद माना, क्योंकि मिर्जा साहब ने खुद अपनी किताब में लिखा है। दूसरी बात यह है कि मिर्जा साहब कहते हैं कि ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और वफात वाला अकीदा है ये कोई ईमान का कोई हिस्सा नहीं है, ये रूहानी खजैन जिल्द नंबर 3 है सफा 171 के ऊपर मिर्जा साहब लिखते हैं, अव्वल तो ये जानना चाहिए कि मसीह के नजूल का अकीदा कोई ऐसा अकीदा नहीं है जो हमारी ईमानियात की कोई जुज या हमारे दीन के रुकनों में से कोई रुकन हो, बल्कि सदहा पेशगोइयों में से ये एक पेशगोई है जिसको हकीकत इस्लाम से कुछ भी ताल्लुक नहीं। जिस जमाना तक ये पेशगोई बयान नहीं की गई थी उस जमाना तक इस्लाम कुछ नाकिस नहीं था, और जब बयान की गई तो इससे इस्लाम कुछ कामिल नहीं हो गया। और पेशगोइयों के बारे में ये जरूरी नहीं कि वो जरूर अपनी जाहरी सूरत में पूरी हों, बल्कि अक्सर पेशगोइयों में ऐसे ऐसे असरार पोशीदा होते हैं कि कबल अज ज़हूर पेशगोई खुद अंबिया को ही जिन पर वो वही नाजल हो समझ में नहीं आ सकते। अब मामला यह है कि इस रूहानी खजान जिल्द नंबर 13 सफा 171 की यह इबारत, इजाला ओहाम की यह इबारत हमें बताती है कि ये वफाते मसीह का जो अकीदा है ये तो ईमान का कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई जोजी भी नहीं है, बल्कि ईमान से इसको दूर दूर तक का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ठीक है? बड़ी माजरत के साथ 3 मिनट मैंने कहे थे तो यहां मैं देख रहा हूं कि टाइम ज्यादा हो गया, अगर मुझे कुछ और बोलने की इजाजत दें तो मैं बोल सकता हूं। जितना मर्जी बोल ले, कोई मसला जी जी कोई बात। अब मामला तो ये है कि मिर्जा साहब ने जब ये एक स्टेटमेंट दी और एक मौकफ कायम किया कि इसको ईमान का कोई जोजी नहीं है, तो फिर अहमदी हजरात पूरी पूरी जिंदगी इसके ऊपर लगा देते हैं
और जब कोई बात होती है तो हयात ईसा को साबित करो जी, जैसा कि अभी आप बार बार इसरार कर रहे हैं, बार बार आपका इसरार है नहीं हयात ईसा को साबित करने के लिए कुरान पेश करें, हयात ईसा को साबित करने के लिए कुरान को पेश करें, हयात ईसा को साबित करने के लिए कुरान पेश करें, ठीक है, बार बार आप, और मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, मैं इसलिए इसरार कर रहा था कि ये एक बात जो है ना ये रोजे रोशन की तरह अयां हो जाए और सबके सामने आ जाए कि अहमदी हजरात किस तरीके से करते हैं। बात को तूल भी मैंने तभी दिया और आपके मुंह से बार बार ये सुना भी, और मैं चाह भी यही रहा था आप बार बार मुझे कहें, तो वो ही आपने किया। तो ये हर दुनिया का अहमदी ये करता है कि वो उसकी एक ही रट होती है, कुछ भी हो, हवा इधर की चले, उधर की चले, उधर की चले, हयात ईसा को साबित करो जी। मिर्जा साहब ने कुछ और कहा, अहमदी कुछ और कहते हैं, अब बात किसकी मानी जाए, मिर्जा साहब की मानी जाए या कि एक अहमदी की मानी जाए, एक बात। दूसरी बात, आपके जो खलीफा साहब थे बशीरुद्दीन महमूद साहब, दूसरे खलीफा, और वो क्या उसका नाम है भैया, वो जनाब मिर्जा साहब के बेटे भी हैं, मुस्लिम मऊद आप कहते हैं, ठीक है। तो अब वो एक मरतबा जामे अहमदिया में गए, जामे अहमदिया में गए, ये अल फजल अखबार के अंदर लिखा हुआ है, आप कहेंगे तो हवाला मैं अभी दे दूंगा, हवाला मेरे पास मौजूद है, ठीक है, अखबार भी मेरे पास मौजूद है, मैं अखबार नहीं तो आपको अभी ला के दिखा दूंगा, मेरे पास ही है। वो जामे अहमदिया में गए तो जामे अहमदिया में जाके उन्होंने मुरब्बियों से ये सवाल किया कि हाँ भाई तुम क्या करोगे यहां से निकल करके, जब जाओगे तुम तो क्या करोगे। उन्होंने कहा जी हम जो है वो बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे देखना आप। उन्होंने कहा जी क्या करेंगे, उन्होंने कहा हम तो हयात ईसा को साबित करेंगे, हम सॉरी हयात वफात ईसा को साबित करेंगे, दलाइल देंगे हम, और हमें जो रट्टे लगवाए गए हैं वफाते मसीह की आयतों के, वफाते मसीह की हदीसों के रट्टे लगवाए गए। तो आगे से वो खलीफा साहब ने, उन्होंने तकरीर वो अखबार के अंदर लगी हुई है, आप कहेंगे मैं दिखा दूंगा कोई बात नहीं, इसके ऊपर पूरे पूरे मेरे लेक्चर मौजूद हैं, हमारे खत्मे नबूत टाइम्स यूट्यूब का जो चैनल है उसके ऊपर मैंने दिए हुए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि ओए सूरो, ओए सूरो, ओए खंजीरो, ओ कमीनियों, ओए कमीनियों, ओए सूरो, ओए खंजीरो, ये खंजीरों वाला काम है जो तुम कर रहे हो, कि वफाते मसीह पर मैं ये आयत दूंगा, ये हदीस दूंगा, ये दलील दूंगा, और लोगों से जाके मुनाजरे करूंगा, वफाते मसीह को साबित करूंगा। उन्होंने कहा ये सूरों वाला काम है कि ये आयत रट लो तो ये आयत ले लो। तो आपके खलीफा साहब आपको रोकते रहे कि ये काम नहीं करना, आपके मिर्जा साहब ने आपको रोका, तो उन्होंने कहा कि ये एक गलत फहमी थी जिसको हमने दूर किया है, जबकि ईमान से इसको कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ईमान का कोई जुज भी नहीं है, लेकिन एक अहमदी मर्जई पूरी जिंदगी इसके अंदर लगा देता है कि वफाते मसीह, वफाते मसीह। आपके मिर्जा साहब ने रोका, नहीं यार ये ईमान का जुज भी नहीं है, आपने कहा नहीं फिर वफाते मसीह। आपके खलीफा साहब ने कहा यह सूरों वाला हमला है, ये सूरों का हमला है, खंजीरों का काम है कि वफाते मसीह की ये आए तो वो हदीस ले आओ तो कुरान से साबित करो, हदीस ले आओ तो कुरान से साबित करो, कहा ये सूरों वाला हमला है, ये सूरों वाली लड़ाई छोड़ दो, ये काम नहीं करना। लेकिन यही मसला है कि मरजई हजरात ने, कादियानियों ने, और आप लोग अपने आप को अहमदी कहते हैं, आप ना ही आपने आप मिर्जा साहब की मानी अपने मिर्जा जी की, और ना ही आपने खलीफा जी की मानी। अब आगे बढ़ते हैं कि आपने मुझसे कुरान की आयत पूछी थी, और ये ना कहिएगा इनके पास कुरान की कोई आयत ही नहीं है, ठीक है जी, मैं अब आपको कुरान की आयत देने लगा हूं, मैं कुरान की आयत अब देने लगा हूं ना, कुरान की आयत से अब साबित करने लगा हूं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम जिंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं। पहले जो इतना आपने बोला उस पे मुझे 1 मिनट तो जी दीजिए, जी जी सिर्फ जी पांच जी जी आधा मिनट। जी जी बोले बोले ये आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की है, बहुत अच्छी है, आप बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, मैं सही तरीके कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुने कि ये तो पहले ही, अभी ये तो आपने एक तो इल्जाम लगाया ना, मैंने 35 पढ़े हुए हैं इससे पहले भी, तो ये आपके नजदीक तो मिर्जा साहब नौजबिला पागल भी थे, आपके नजदीक तो मिर्जा साहब नौजबिला झूठे भी थे। ना ना
ना ना ना ना, मेरे नजदीक नहीं ना, मैंने अपनी बात की, मैंने कोई भी अपनी बात की, मैंने अपनी बात, मैंने तो हवाला दिया, क्या करते हैं, मैं आपकी अपनी किताब से बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी बात कोई नहीं की। झूठ मत बोले, झूठ झूठ ना बोले, मैंने अपनी बात नहीं की, झूठ मत बोले जी, आप बोले जरूर, झूठ ना बोले, बोले जरूर लेकिन झूठ ना बोले, झूठ से काम ना ले, बड़ी मेहरबानी। अच्छा नहीं नहीं झूठ ना बोले आप, मैंने नहीं कहा, मैंने हरगिज नहीं कहा, मैंने आपकी किताब पेश की है। आपने कहा कि मिर्जा बशीरुद्दीन ने कहा था सूरों, सूरों वाला हमला ये, जी 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 जी, वो ही सूरो खंजीरो, जी जी खंजीरो, ये दिखाएं मुझे अभी निकाल के ना पहले आप। अच्छा ये अगर मैं दिखा दूं आपको, अगर मैं दिखा दूं, ये साबित कर दूं कि जो भी हयाते ईसा के ऊपर दलायल तलब करता है या दलायल देता है वो खंजीर है, वो सुअर है, ये किसने कहा, आपके खलीफा ने कहा, अगर साबित कर दूं तो। मुझे पहले वो अब वो लफ्ज, ये जो मैंने बोले हैं वो वाले लफ्ज चाहिए कि ओ खंजीरो। अच्छा एक मिनट, मैं ये लफ्ज चाहिए आपको, ये लफ्ज चाहिए मुझे, सिर्फ ये दो लफ्ज दिखा दे, उन्होंने कहा ओ खंजीरो, ओ खंजीरो। वाह भाई वाह, जी जी। अच्छा चले, ये लफ्ज अगर ना हुए तो कोई और हुए तो फिर मैं हार गया। नहीं हारना, मैं आपको हराना ही नहीं चाहता। फिर ये फिर ये हुआ कि मौलवी बंदर और सुअर, यही हुआ ना, फिर यही आप कहेंगे कि मौलवी बंदर हैं सुअर हैं, फिर ये कहेंगे आप। नहीं मैं अभी एक बात पे रहे, वो खलीफा वाली बात मैं अभी दिखाने लगा हूं, आपके खलीफा साहब वाली बात। जी मैं अब हवाला देने लगा हूं, मैं अब आपको आपकी मन पसंद हवाला देने लगा हूं, ठीक है जी, एक मिनट जरा।